हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक रीडिंग करने वाली हूँ। अगस्त 2020 में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी इस मंथ में, ठीक है? तो ये मंथली रीडिंग है स्कॉर्पियो के लिए अगस्त 2020। ओके, तो हम यहाँ पर पता लगाएंगे सबसे पहले आपकी लव लाइफ के बारे में, फिर आपके करियर के बारे में। तो जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, ठीक है? तो आपके सामने ही कार्ड्स को शफल करके मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। और अगर आप सन मून वीनस राइजिंग कहीं पर भी स्कॉर्पियो है तो भी आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं तो भी आप ये रीडिंग क्रॉस वॉच कर सकते हैं, ठीक है? और मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी तो आप इसको मत देखना, तभी बंद कर देना, ओके? लेकिन अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ओके? तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं स्कॉर्पियो की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं अगस्त 2020 में, ओके? स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या चेंजेस, क्या गुड न्यूज, क्या सरप्राइज आपको मिलेगा। तो पहले आपकी लव लाइफ के बारे में देख लेते हैं, क्या चेंजेस, क्या गुड न्यूज है आपके लिए इस मंथ में। ओके, टेम्परेंस एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो हो सकता है कि आप अपने हीलिंग प्रोसेस पर हैं और आप अपने ना करियर और लव दोनों में बैलेंस लेकर आ रहे हैं, ठीक है? हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा अपने हीलिंग प्रोसेस पर हैं और आप अपने लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप अपनी लाइफ में अपना ट्रू सोलमेट, ट्रू ट्विन फ्लेम को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी पर्सन अब आए वो आपके सोलमेट या आपके ट्विन हो, ठीक है? तो आप एक सच्चा प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत लंबे टाइम से इस लव को आप मैनिफेस्ट करते आ रहे हैं, ठीक है? पेज ऑफ सोर्स का मतलब ये है, हो सकता है कि आप किसी को ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं या फिर कोई आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है? अगर आपके कोई पार्टनर है जिन्हों के साथ आप डील कर रहे हैं तो आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी। ओके, वी हैव थ्री कार्ड्स लेते हैं, सिक्स ऑफ सोर्स, टू ऑफ वैंड्स एंड नाइन ऑफ कप्स। ओके जी, तो मैं यहाँ पर क्या देख पा रही हूँ ना कि बहुतों की लाइफ में जो जिन्हों के पार्टनर कंफ्यूज थे, जो आपसे बात नहीं कर रहे थे, ठीक है, आपको सेपरेशन में रखा हुआ था, तो हो सकता है कि वो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाएं विद द सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ठीक है? क्योंकि शायद उन्होंने अब डिसीजन ले लिया है कि उनको किन को चुनना है और जो भी आपके विश है ना लव में, आपके कनेक्शन में, वो आपको लगता है पूरी हो जाएगी आपके विश इस मंथ में, ठीक है? तो इस मंथ में आपका रिकंसिलेशन हो सकता है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जो भी लोग रिलेशनशिप में है, हो सकता है ज्यादातर लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, ठीक है? और जो बिल्कुल ही सिंगल हैं तो मैं बताती हूँ कि अभी वो काफी ज्यादा अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप सभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको अब जो भी आपके पार्टनर हैं जो सेपरेशन में, उनके पार्टनर आ जाए, जो बिल्कुल सिंगल हैं तो वो अपने ट्रू सोलमेट, ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? हो सकता है कि आप लोग जो सिंगल हैं आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है, इसके थ्रू आपके पार्टनर आपके पास, आपकी मुलाकात हो सकती है क्योंकि कोई ना कोई पार्टनर तो आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है? जो भी आपकी विश थी कि आप एक कनेक्शन में आए, एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन में आए, तो डेफिनेटली आप आएंगे और आपके पार्टनर आपको चूज करेंगे, ठीक है? आपके पास कोई ऑफर मुझे आता हुआ दिख रहा है, आपके चाहे फिर वो रिकंसिलिएशन हो जिनके पार्टनर सेपरेशन में हैं, या फिर जो बिल्कुल सिंगल हैं तो उनकी लाइफ में भी उनके पार्टनर आ रहे हैं, ओके? और जहां तक मुझे लग रहा है कि जो मैं यहाँ पर ये भी चीज देख पा रही हूँ, जिनके हस्बैंड जिनको छोड़कर गए हैं या वाइफ जिनको उनके जो छोड़ के गई हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो उनको सोशल मीडिया पे वॉच कर रही हैं या कर रहे हैं और वो उनकी लाइफ में भी रिटर्न होंगे,
ठीक है, तो इस मंथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ क्योंकि उनको हो सकता है कि आपके बच्चे हो तो उनको उनकी याद आ रही है, और डेफिनेटली एक कनेक्शन है, स्ट्रांग है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो वो आपकी लाइफ में रिटर्न हो जाएंगे। ये चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो अब देखते हैं कि करियर में क्या है, करियर में क्या चेंजेस, क्या गुड न्यूज, क्या मिलेगा आपको। ओके, वी हैव वन कार्ड, पेज ऑफ सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पहला ही हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आप अपने वर्क पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। मैंने कहा ना, आप अपनी लव लाइफ और करियर लाइफ दोनों को आप बैलेंस में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, आप बिल्कुल अपने वर्क पर फोकस्ड है इस टाइम। आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं खुद के लिए, अबंडेंस। और देखते हैं आपके लिए क्या है, प्लीज कार्ड बताइए। फिलहाल आप अपने वर्क पर फोकस्ड हैं और हो सकता है कि आपके पार्टनर सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो जो भी टेंशन थी आपको अपने वर्क को लेकर, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि उसकी डेथ होने वाली है। ठीक है, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो आपका ही कार्ड आ गया है यहाँ पर। तो हो सकता है ना कि मैंने बताया नहीं, हो सकता है आपके पार्टनर सेजिटेरियस हो, इक्वेरियस हो, ठीक है, जेमिनाई हो, लिब्रा हो, और यस ये साइन हो सकते हैं, वाटर साइन भी हो सकते हैं आपके पार्टनर जिनों के साथ आप डील कर रहे हैं। ठीक है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस हमारे पास यहाँ पर स्पेशल है, हमारे पास टॉरस, वीरगो, कैप्रिकॉर्न भी है, हमारे पास सारे ही साइन हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर स्पेशल अब तक स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस है। तो मैं क्या देख रही हूँ ना कि आपके जितना भी आपने, हो सकता है कि अभी हमारे देश की जो सिचुएशन है, लॉकडाउन काफी हद तक, काफी सारी कंट्रीज में अब मतलब लॉकडाउन नहीं है अब, ठीक है, काफी हद तक ओपन हुआ है। तो मैं क्या देख पा रही हूँ ना, उस टाइम पास्ट में आपको काफी ज्यादा ना प्रॉब्लम हो रही होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके करियर में कुछ नहीं होगा। हो सकता है आपने काफी हार्डशिप फेस की है, आपने काफी अप्स एंड डाउन अपने करियर में फेस किया हो, सकता है बहुतों की जॉब चली गई हो, बहुतों का बिजनेस बंद हो गया हो। तो वो सारी जो भी टेंशन थी उन सबसे आपको अब काफी आप फ्री हो जाएंगे। आप देख रहे हैं ना किस तरीके से यहाँ पे ये दो कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आपके जो भी टेंशन थी, ठीक है, अगर आपका लॉकडाउन में आपने कुछ खोया है, अपनी जॉब खोई है, अपने बिजनेस खोया है, आपने काफी हार्डशिप फेस की है, तो अब आप उस एनर्जी से आप निकल जाएंगे टोटली विद द डेथ कार्ड। ठीक है, आप इस चीज को पीछे छोड़ेंगे क्योंकि ये आपकी लाइफ से ये फेस अब जाने वाला है। आप पूरी तरीके से कुछ नया आइडिया, क्योंकि आप बहुत अपने वर्क पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप कुछ क्रिएट करेंगे अपने खुद के लिए, और अब आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है अपने करियर में, आपके लाइफ में भी। आपके सोलमेट, आपके ट्विन आने वाले हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पर सबको नहीं बोलूंगी कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट, लेकिन यस, आपके ट्रू लव आपको मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो सोल और ट्विन का जो कनेक्शन होता है बहुत रेयर होते हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ के लिए उनके ट्विन फ्लेम के साथ उनका रीयूनियन होगा, यूनियन में आएंगे वो लोग। सोलमेट्स का भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी विश पूरी होने वाली है, ठीक है, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो सिंगल है वो बहुत जल्द अपने पार्टनर से मिलेंगे। देखते हैं और क्या है करियर में आपके। प्लीज कार्ड बताइए। ओके, थ्री ऑफ वैंड्स। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। मैं ये वाला कार्ड ले लेती हूँ, द सन। वाओ, आपको आपके करियर में बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी। आपने जो भी, और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है एस ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत, एक न्यू फ्रेश बिगनिंग होने वाली है। आपने जो भी अपने काम में, अपने वर्क में, जो भी आपने कठिनाइयों का सामना किया है लॉकडाउन में, हो सकता है कि आपने बहुत हार्ड फेस
मतलब हार्डशिप आपने फेस की है, तो वो उन सब चीजों से आप बाहर आएंगे, ठीक है। अब बिल्कुल अब जो बुरे दिन थे वो खत्म हो जाएंगे आपके विद द थ्री ऑफ वैंड्स। तो हो सकता है ना कि आप के लिए ये भी एक गोल्डन चांस हो कि आप कहीं फॉरेन ट्रिप पर जाएं, ठीक है, कहीं बाहर जाएं, बाहर आप बाहर किसी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, या फिर ये भी हो सकता है कि आप ऑनलाइन कोई बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है। ऑनलाइन आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें पूरा ही वर्ल्ड कवर होगा, और आप कुछ ऐसा वेबसाइट्स बनाएंगे या कुछ भी, आप कुछ ऑनलाइन कुछ इस तरीके का आप कुछ काम करेंगे। हो सकता है आप खुद से यूट्यूब का चैनल बनाएं और वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है, आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी आपके यूट्यूब के चैनल पर। और आपको डेफिनेटली विद द सन कार्ड्स आप खुशियाँ आपके पास आ रही है, विद द एस ऑफ कप्स देखिए एक सच्चा प्यार आपके पास आ रहा है, ठीक है। फिर वो कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके कोई अगर आप सिंगल हैं तो टोटली एक न्यू पर्सन होंगे जिसके साथ आप, जिनों के साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। आप जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे आप बहुत खुश हो जाएंगे, आपको सारी खुशियां मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपके सारे जो भी आपके दुख थे तकलीफ थी वो सब दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगस्त एक बहुत ही स्पेशल मंथ होगा आपके लिए, ठीक है। आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी आपकी लाइफ में, आपको काफ़ी कुछ, आपने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ से, और जितने भी आपके बुरे दिन थे, ठीक है, वो विद दैट कार्ड बिल्कुल सब खत्म हो जाएंगे। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप कुछ ना कुछ ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे जिससे आपको काफी ज्यादा ना प्रॉफिट होगा, ओके। आपकी विशेस पूरी होने वाली है, गॉड आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके सारे उन्होंने दुख तकलीफ सब कुछ देखा है, और अब वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, सॉरी ये कार्ड आपको दिखा नहीं होगा, तो आपको काफी ज्यादा ना ब्लेसिंग्स आने वाली है गॉड की तरफ से, ठीक है, एक ट्रू लव। और करियर में भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो मैं आपके लिए एडवाइस कार्ड ले लेती हूँ यहाँ से, देखते हैं गॉड आपको क्या एडवाइस देंगे, क्या बताएंगे आपको। ये मैं देख लेती हूँ अभी आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। बिल्कुल आपके लिए कार्ड आया है शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आपके पास वो सारी की सारी खूबियां हैं कि आप अपने लिए कुछ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, अपने खुद के लिए अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर एक्वेरियस हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या देख पा रही हूँ, आपको आपके आपके पास सब कुछ है, ठीक है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास सब कुछ है। तो आप दुनिया को दिखाइए जो आप हकीकत में हैं, रियल हैं, ठीक है, दुनिया को बताइए आप क्या हैं, कुछ बन के दिखाइए, ठीक है, अपने लिए अबंडेंस क्रिएट कीजिए, ओके। तो ये है आपके लिए, गॉड आपको बोल रहे हैं शो द वर्ल्ड द रियल यू, वो आपके साथ हैं, आप जो भी काम करेंगे अच्छा काम करेंगे, और बिल्कुल आप उसमें आपको काफी ज्यादा खुशियां मिलेगी विद द सन कार्ड, ओके। तो ये है आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट हुई हो। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको रीडिंग पसंद आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।